चलते हैं, संदीप से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार संदीप जी, पूछिए। मैडम, मेरे पास बीपीसीएल का शेयर है, 2000 शेयर है, एवरेजिंग मेरी 730 की बाइंग है। ठीक है, और कितना समय दे पाएंगे अपने निवेश पर? 3 महीने तक मैं रुक सकता हूँ। सीधा सीधा भी 100 रुपए प्रति शेयर आपको नुकसान हो रहा है। 2000 शेयर्स यानी कि क्वांटिटी भी आपने अच्छी खासी होल्ड की हुई है। देखा भी है जो लगातार क्रूड प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है, उसका भी असर ऑयल एंड गैस स्पेस पर देखने को मिला है बीते हफ्ते में। क्या राय होगी आपकी आशीष जी, अभी टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं बीपीसीएल पर या फिर बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? अच्छा खासा करेक्शन तो हम प्राइसेस में यहाँ पे देख रहे हैं साक्षी जी। जिस तरह से ये स्टॉक टूटा है 770 से लेवल से लेके ये स्टॉक अभी करीबन 630 के लेवल पे चल रहा है। पिछले जो कुछ भी करेक्शन हमने इस प्राइस इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे हैं तो हर टाइम इसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आके ही वापस रिवर्सल लिया है और फिलहाल स्टॉक ने यही किया है। अगर हम पीछे जो कुछ भी बॉटम्स बने थे उन सबको जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो उसका वैल्यू जो आ रहा है वो है 607 रुपया। तो मैं मानता हूं कि 607 रुपए से एक बाउंस बैक इस स्टॉक में आने को मिलना चाहिए। तो अगर इनका रिस्क एपेटाइट है 607 तक ये रुक सकते हैं तो इनको होल्ड करके रखना चाहिए। 605 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और होल्ड करके रहना चाहिए। जो बाउंस बैक आएगा उसमें ये एग्जिट भी कर सकते हैं।